आपके सामने अभी कई चीजों का लोकार्पण हुआ है, मैंने उद्घाटन हुआ है, रजौरी के स्पोर्ट्स स्टेडियम का, यहां स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहां के टैलेंट को देखते हुए 200 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं पीएमडीपी के अंतर्गत केवल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के, और उसी के अंतर्गत आपका स्टेडियम बना है और भी स्टेडियम बन रहे हैं, जो उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं, आपके डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि आने वाले दिनों में पूरे हो जाए। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जो सहायता, आर्थिक सहायता मिलती है, उसके अतिरिक्त 200 करोड़ जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मुझे लगता है शायद किसी राज्य को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार ने इतना पैसा नहीं दिया है। इसका उद्देश्य भी यही है जिसकी चर्चा आप में से अनेक लोगों ने की है कि जो गैप है उसे कैसे भरा जाए। मुझे बताया गया है कि कोतरंका में 3,82,00,000 का इंडोरी स्टेडियम भी लगभग बन करके तैयार है, नौशेरा, कालाकोट और लंबेड़ी में भी स्टेडियम बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। बैक टू विलेज अभियान इस बार जब शुरू हुआ तो जब अफसरान लोगों से मैं चर्चा कर रहा था, खासतौर से डीसी लोगों से या यूटी के प्रशासन के लोगों से, तो दो तीन बातों पर मैं विशेष बल दे रहा हूं। एक कि हर पंचायत में नौजवानों को स्पोर्ट्स की जरूर दी जाए, अनिवार्य रूप से दी जाए। दूसरा कि हर पंचायत में कम से कम दो नौजवान हम आइडेंटिफाई करें, दो यूथ, वो बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर बैंक में एक स्पेशल डेस्क हेल्प शुरू की गई और ये निर्देश दिया गया कि न्यूनतम दो बच्चे को आपको आर्थिक मदद देनी। सुनने में बड़ा छोटा लगता है एक पंचायत में दो, लेकिन अगर पूरे यूनियन टेरिटरी में आप देखें तो इस एक वर्ष में 8,500 यूथ इंटरप्रेन्योर बन सकता है। कल मैं जहां गया हुआ था, एक नौजवान साथी खुर्रम था नाम मैं भूला, उन्होंने मुझे बताया कि साहब मैंने जब काम शुरू किया था तो बड़ी मुफलसी में जी रहा और आज मैं 30 लोगों को रोजगार दे रहा। मुझे लगता है कि खुर्रम खां यहां भी बन सकते हैं और एक नहीं कई बन सकते हैं, ये तो शुरुआत है। तीसरी बात हमने ध्यानपूर्वक ये कही थी, ओपन डेफिकेशन फ्री है ये यूटी, मनरेगा से हम मजदूरी का ही पेमेंट करते हैं, हर पंचायत में हम अनिवार्य रूप से सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए दो बड़े डस्टबिन रख सकते हैं, दो तीन लोगों को चिन्हित कर सकते हैं। मैं भी गांव का रहने वाला, सरकार ने शौचालय बनवा दिए, स्वच्छता अभियान में बन गया, हर आदमी कूड़ा मैंने गार्बेज अपने घर के पीछे रख देता है, तो उसे हटा करके अगर दो तीन आदमी हम नियत कर देते हैं पंचायत में तो डस्टबिन तक पहुंच सकता है और आगे उसका और भी इनोवेटिव ढंग से हम उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नौजवानों के लिए प्रतिभाएं बहुत हैं, उन्हें उत्साहित करने, इंकरेज करने की जरूरत है, अब उन्हें निखारने और तराशने का समय आ गया।